एक तो बेरोजगारी, ऊपर से खर्च का भी वहन और तपिश भी। और निम्न में से विषम नाम चुनिए, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी और सारनाथ। शिक्षक बनना उतना आसान नहीं है भैया, सरकार ने इतनी सारी क्राइटेरिया तय कर दी है कि ये सफर इतना आसान नहीं रहता है। दो शिक्षक, कई स्कूल में ऐसी स्थिति है, दो शिक्षक पूरा स्कूल संभाल रहे हैं। कौन सा सवाल है जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत मजबूर किया, बहुत देर तक सोचने के लिए मजबूर किया? GT का एग्ज़ाम होता है, वो अगर आपने पास नहीं किया तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप भी देख रहे होंगे बेरोजगारों की संख्या तो बहुत है। अगर आप pre-BEd के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और या फिर उस एग्ज़ाम सेशन से गुजर रहे हैं तो ज़रूर इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। और अगर नहीं देख पाए हैं तो मैं, जो मेरे हाथ में pre-BEd का एक पेपर है और कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और पेपर बड़ा दिलचस्प आया हुआ है। पहला ही सवाल है सामान्य मानसिक योग्यता पर सवाल है। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्म की तारीख जो है 10 से 15 फरवरी के बीच है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले है, तो मीना का जन्मदिन क्या होगा? ये पहला सवाल आया है। ऑप्शन है 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 14 फरवरी। आप लोग इस सवाल पर विचार करिए, मैं इनसे जब तक बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का पेपर कैसा गया मैम, कहाँ से आए? हम लोग का पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन वो थोड़ा वो रीजनिंग का वो थोड़ा टॉप था, लेकिन क्या बोलते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं? जैसे मैंने तो एक सवाल पढ़ा है, और आप लोगों ने किस किस तरह के सवाल फेस किए? शिक्षक से रिलेटेड ही आता है। सामान्य ज्ञान के रहते हैं, कुछ रीजनिंग के रहते हैं, कुछ हिंदी के, कुछ इंग्लिश के रहते हैं। अच्छा, कैसे कैसे सवाल आए थे? जैसे मैं तो एक सवाल अभी पढ़ा हूँ, और आप लोगों ने कैसे कैसा फेस किया सवाल को, और उसके लिए सोचना कितना पड़ता है? जैसे पहला ही सवाल हमें सोचने में मजबूर कर रहा है। और जो शिक्षण वाला रहता है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, सर को समझना पड़ता है। बाकी तो बाकी सवाल में क्या क्या आए थे? जो शिक्षण से रिलेटेड था वो थोड़ा था, और उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़ा था। कुछ सवाल और पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा सा पेपर दिखाएंगे आप। जैसे कि दूसरा सवाल है, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरा जाता है, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएंगे तो बी को कितने समय के बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्णतः भर जाए? ऑप्शन है 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। ये शायद अमिताभ बच्चन जी भी कौन बने करोड़पति में ऐसे सवाल नहीं पूछे होंगे। ऐसे ट्रिकी सवालों को सोचना बहुत पड़ता होगा। जी सर, थोड़ा सोचना पड़ता। और कितने घंटे का समय मिलता है इनको पूरा? दो घंटे में 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है, और ये इतने ट्रिकी सवाल है कि आपको एक एक सवाल के पीछे सोचना पड़ेगा। सामान्य सी जो सवाल आते हैं वो सामान्य है, लेकिन सोचने पे इतना उसको सराउंड किया गया है, उसको इतना गोल गोल किया गया कि आपको सोचने में, विचार मंथन में समय लगेगा। और निम्न में से विषम नाम चुनिए, तीसरा सवाल है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी और सारनाथ। तो मेरे ख्याल से मेरा जो जवाब है वो सारनाथ है। इन्होंने भी सारनाथ को ही टिक किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी एक लड़ाई की जगह रही है, और पानीपत में भी लड़ाई हुई, हल्दी घाटी में भी लड़ाई हुई, सारनाथ ट्रेन का नाम हो सकता है, और उस जगह पर कोई लड़ाई नहीं हुई है। मैं कुछ और सवाल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें विषम जो है सवालों में विषयांतर जो है वो भी पूछा गया है। मैं देख रहा था कि एकड़ वाला सवाल कहाँ गया। रवि अपने स्थान से, 13वां सवाल है, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला गया, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वो दक्षिण दिशा में जा रहा था, रवि ने किस दिशा की यात्रा शुरू की? अब ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब मुझे भी दिमाग मेरा चकरा रहा है, हालांकि ये बनाने में बहुत ट्रिपिकल होता है, और एक शिक्षक बनने के लिए हर तरह का जो मानसिक संतुलन है उसको परिपक्व होना नहायत ज़रूरी है। हाँ, एकड़ वाला सवाल आ गया, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल काट पाएंगे? ये सवालों के लिए कैलकुलेशन लगा होगा बहुत। कैलकुलेटर वगैरह अलाउड रहता है अंदर? नहीं रहता है, मानसिक तौर पे ही तैयार करना पड़ता है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है या तैयारी आप लोग कैसे करते हैं, गाइड वगैरह या कोई नोट? घर पे सेल्फ स्टडी करके, मतलब नोट्स वगैरह लेते होंगे? YouTube से सर्च करते हैं। अच्छा, इसके कोई नोट्स नहीं मिलते जैसे जो पुराने जो एग्जामिनर? हम लोग YouTube से ही सर्च करके ही पढ़ते हैं। अच्छा,
कितना परसेंट फायदा मिल पाता है जो यूट्यूब से जो जानकारियाँ मिल जाती हैं? YouTube से ही 50 हमारी जो वीडियो ये भी यूट्यूब में जाएगी तो हो सकता है कई लोगों का भला हो जाए। कुछ कुछ प्रश्न मतलब आंसर मतलब आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं सर रीजनिंग मैथ्स के लिए, वो देखते हैं। अच्छा, उसी से पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 90 नंबर का सवाल है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तिल, आहार, भील और छाछ। इसमें छाछ को आपने टिक किया है। छाछ 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 जितने भी पीने वाली वस्तुएं चाय कॉफी छाछ रहती है वो स्त्रीलिंग में आती है। अच्छा, मेरे साथ में अभी प्री बीएड का एग्ज़ाम आप लोग दे के आए, और कैसा गया एग्ज़ाम आपका, क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कुमार है। अच्छा जी, तरुण कैसा गया एग्ज़ाम, मतलब कैसे कैसे सवाल आए थे आप लोगों के लिए? सवाल तो इजली था, अच्छा आया था। क्या क्या पूछा गया था? पूछने के लिए तो इजली क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि 2006 में जैसे 26 जनवरी है वो गुरुवार को पड़ रहा है, तो नेक्स्ट 2007 में 26 जनवरी कौन सा डेट में पड़ेगा, मैंने कौन से दिन में उसका था। तो ऐसा आप उफ कर लियोगे या प्रिपरेशन में हो जाता है ये? नहीं होता, नहीं वो तो वो रहता है ना, पढ़ के आए रहते हैं तो नॉलेज रहता है कि कौन से में कैसे। कैसे तैयारी कैसे करते हो इन सब का, मतलब पहले से कुछ गाइड वगैरह रहती है या? गाइड नहीं, इनका जो पैटर्न देते हैं ना एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। मेरे साथ एक और भाई हैं, भाई आपका नाम बताना और ये बताना कि शिक्षक बनना आज कितना टफ हो गया है। मेरा नाम मिथिलेश साहू है। शिक्षक बनना उतना आसान नहीं है भैया, अभी सरकार ने इतनी सारी क्राइटेरिया तय कर दी है कि ये सफ़र इतना आसान नहीं रहता है। आज से 15 साल पहले बिना बीएड किए आप टीचर बन सकते थे, नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बन सकते थे, लेकिन अभी आपको बीएड करना होता है, तो बीएड के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। सबसे पहले आपको तो 12वीं के बाद आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्री बीएड का एग्ज़ाम देना पड़ता है। प्री बीएड 3 साल पास करने के बाद आपको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, TET, उसको पास करना होता है। प्री बीएड में भी मेरे ख्याल से 2 एग्ज़ाम है ना, अभी आप एक पेपर और है आपका ना, एक डीएड है, एक डीएड होता है। डिप्लोमा में ये होता है, डीएड में ये होता है कि आप प्राइमरी स्तर के शिक्षक बनेंगे। अच्छा, और बीएड में आप हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। तो अगर आपके पास, आपने बीएड तो पास कर लिया, जैसे तैसे आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, यहाँ से प्री डीएड का पेपर दे के बीएड में एडमिशन लिया, अगर आपने टीटी क्लियर नहीं किया, टीटी का एग्ज़ाम होता है वो, अगर आपने पास नहीं किया तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपने TET पास कर लिया, उसके बाद जो भर्ती परीक्षा होती है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में व्यापम लेती है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल लेती है, अगर आप उसको पास नहीं किए तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो ये तरह तरह की हिसाब से जो वैकेंसीज निकालती हैं जो सरकारें हैं, और बेरोज़गारी पे ये करेंगे कहते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज सेंट्रल की भी स्टेट की भी, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिनेरियो रहते हैं, तो क्या लगता है जिस हिसाब से जो बेरोज़गारी का स्तर है या आंकड़ा है, उस हिसाब से जो पोस्टें निकलती हैं और जो लिमिटेड पोस्टें निकलती हैं उसमें भी बहुत सारे कड़े प्रावधान अभी आ गए, मापदंड आ गए? तो अब हमारे छत्तीसगढ़ में ही ले लीजिए, आप भी देख रहे होंगे बेरोज़गारों की संख्या तो बहुत है। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी लगभग 13,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, 2019 के आसपास आई थी, और उसमें कोविड की वजह से उसमें नियुक्तियां नहीं दी गई थी। 2021 में सरकार ने नियुक्ति 2020 के बाद ही शुरू की नियुक्ति देना, और उसमें लगभग 3,000 से 4,000 पोस्ट खाली रह गया। अच्छा, उस मापदंड में लोग नहीं बैठ पाए, बल्कि बेरोज़गार तो बहुत हैं हमारे यहाँ, PhD करके बैठे हुए हैं लोग, इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, MBA करके बैठे हुए हैं, तो वो वैकेंसी भी उनके लिए तो फिर बेकार साबित हो गया ना, और यहाँ पे 3,000 पोस्ट खाली रह गया सरकार का। तो वही है कि ऐसा एक मापदंड तय करना चाहिए जिससे बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिल जाए और सरकार का भी काम। आपके मुताबिक अगर आप ये समझें कि आप पॉलिसी मेकर हैं, आप एक अच्छी सोच रखते हैं, तो सरकार के लिए सुझाव क्या हो सकता है कि किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए? देखिए, अच्छे शिक्षक भी चाहिए, और शिक्षकों को परीक्षा लेना या उनको एक पैरामीटर पे खड़ा देखना ये कहीं से थोड़ा सा गलत भी नहीं है,
अच्छे शिक्षक आएंगे तो समाज को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। पैरामीटर होना चाहिए लेकिन उसको थोड़ा स्मूथ भी होना चाहिए। तो आपकी जो सलाह है वो गवर्नमेंट को क्या रहेगी कि जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल जाए? जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक विहीन स्कूल है, अभी भी एक भी शिक्षक नहीं है ऐसा भी छत्तीसगढ़ में जी है। तो इससे बेरोजगार थोड़ा सा उसको शिथिल किया जाए, बेरोजगारों को रोज़गार भी मिल जाएगा और शासन का भी काम हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा भी मिल जाएगी दुर्गम क्षेत्रों में जो पहुँच सकते हैं। उसको जैसे एक ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए कि गांव में कितने बेरोजगार हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके माध्यम से शिक्षक ना करके उनको क्लास लेने का अनुमति मिलना चाहिए गांव स्तर पे, जिससे शिक्षक तो अपने पढ़ाएंगे ही, जो युवा है वो भी कुछ ट्यूशन दे सके जिससे शिक्षा का स्तर थोड़ा उठ सके। अभी जैसे एग्ज़ाम्स में तो जाहिर सी बात है दूर दूर से लोग आते हैं एग्ज़ाम देने, उसके बाद जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में एक सेगमेंट ये भी चलता है कि खर्च भी होता है, बीएड के लिए खर्च भी करना पड़ता है, और उसके बाद फिर और एग्ज़ाम आप बता रहे हैं, उसके बाद जाके कोई शिक्षक के पद नियुक्ति होती है? टीटी एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप जो व्यापम जो परीक्षा लेगा ना, जो भर्ती के लिए जो लोग लेगा परीक्षा, उसको भी पास करना जरूरी है आपको। तो ये इस तरह के स्तर जो है, मतलब एक तो बेरोजगारी, ऊपर से खर्च का भी वहन और तपिश भी और एक प्रतीक्षा भी करना पड़ता है लगभग 4-5 साल। और अगर कुछ आपातकाल की स्थिति आ गई तो ऐसे ही वैकेंसी रुक जा रहती है, आरक्षण की वजह से ऐसे ही नियुक्तियां रुकी हुई थी। अच्छा, जो पद नियुक्तियां निकलती हैं, जैसे जो आबादी है या बेरोजगारी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो पद नियुक्तियां निकलती हैं उसको कितना बढ़ाया जाना चाहिए? जनसंख्या बढ़ रहा है और अब जैसे कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो स्कूल भी बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए स्कूल, सरकारी स्कूल बढ़ना चाहिए, तो फिर शिक्षक भी बढ़ना चाहिए। लेकिन उस अनुपात में जो भर्ती है, शिक्षकों की भर्ती है, वो नहीं बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है ना भैया। जैसे कि एक गांव में पहले 1000 की जनसंख्या रही होगी, वहाँ पे एक स्कूल था, अब 10 साल में वहाँ पे 2000 हो गई, लेकिन आज भी वहाँ स्कूल एक ही है। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम भी ग्रामीण एरिया में विजिट करते हैं, दौड़ भाग करते हैं और खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कई जगहों में उल्टा हो गया है भैया, शिक्षकों की संख्या और कम हो गई है। कई स्कूल में आप जाके देखेंगे तो पहले जहाँ 4-5 शिक्षक थे, वहाँ रिटायरमेंट के बाद या तो कहीं ट्रांसफ़र के बाद एक आध दो शिक्षक बचे हुए हैं स्कूल में। तो आप ही सोचिए, दो शिक्षक, कई स्कूल में ऐसी स्थिति है, दो शिक्षक पूरा स्कूल संभाल रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी अब क्या होगा आप समझ सकते हैं। अभी जैसे जो सवाल आता है, सीरियस मैटर पे तो बात होगी, हम चाहते हैं कि सवाल दर्शकों तक भी पहुंचे, और कई लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो यूट्यूब से भी देखते हैं। अभी जैसे कुछ बच्चियों से बात किया तो उन्होंने बताया यूट्यूब से वो पढ़ते हैं, कई लोग कोचिंग भी जाते होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें वो बच्चे की, ताकि उनको जैसे जो नंबर है वो आ पाए और आगे वो शिक्षक के लिए एक दिशा और दशा तय कर पाए? देखिए, कोई भी परीक्षा एक दिन में तो पास नहीं किया जा सकता भैया, उसके लिए एक नियमित अध्ययन की ज़रूरत होती है। आप रोज़ 2 घंटा पढ़िए, और एक क्या सिलेबस है, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, उसको ध्यान में रख के तैयारी करना चाहिए, और नियमित, ऐसा नहीं कि कल पेपर है और आज पढ़े। तो जो स्टडी मटेरियल है वो ज़्यादा कारगर रहता है, यूट्यूब ज़्यादा कारगर रहता है, या फिर किसी अच्छे शिक्षक के पास बैठ के उनसे मार्गदर्शन लेना वो ज़्यादा कारगर रहता है, क्या रहता है तुम? वो तो अपने क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है भैया, अपन किस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे हम घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं यूट्यूब वगैरह का सहारा लेके, अगर वहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमको हमारा स्तर अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको ट्यूशन चले जाना चाहिए, किसी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारा संघर्ष है, और संघर्ष की कहानी हिंदुस्तान में आप किसी भी जगह पे, किसी भी ठिए पे, किसी भी कोने पे, किसी गार्डन पे, जहाँ भी जाएंगे एक संघर्ष की कहानी निकलती है। तो हम भी यहाँ पर आए थे, और चौपाटी आई है यहाँ पर, हमने चाय पीने के लिए यहाँ बैठे थे तो बहुत सारे लोग मिल गए, और उनसे बहुत सारे विचार जब सामने आने लगे तो हमने कहा कि ये विचार, ये रिपोर्टिंग आप तक पहुँचनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं,
क्या विचार रखते हैं आप कमेंट बॉक्स आपका है ज़रूर रखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो लोग, जैसे मैं भी बहुत कुछ नहीं जान रहा था, आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, तो और भी लोग जो देखें वो इन बातों से अगर प्रेरणा ले सकें तो ले सकते हैं। ऐसे ही खबरों को आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।